नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे, जो गणित का बहुत ही दिलचस्प भाग है। परिचय देने के लिए हम कह सकते हैं, एक सतह में पड़ी किसी भी वस्तु को दो सीधा लाइनों की मदद से दर्शाया जा सकता है। इन लाइनों को 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहले चित्र में यह बिंदु इस सतह पर बनी हुई जरूर है, पर इस बिंदु का स्थान क्या है यह हम नहीं कह सकते। दूसरे चित्र में यही बिंदु एक दीवार से 9 सेंटीमीटर दूर है, तो दूसरे दीवार से 5 सेंटीमीटर दूर। यह जो अंक है यह इस बिंदु का इस सतह पर स्थान हमें बताते हैं। यह सुझाव रेने-डेस्कार्टेस नाम के व्यक्ति ने दिया था, जो फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने सबसे पहले एक संख्या रेखा लिया, इसे हम एक्स रेखा कहते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हर अंक के बीच की दूरी एक एक इकाई होती है। ऐसा ही हम एक और रेखा ले सकते हैं, इसे हम वाई रेखा कहते हैं। यह पहले रेखा से 90 डिग्री के कोण पर होता है। जब हम इन दोनों रेखाओं को जोड़ते हैं तो कुछ ऐसा चित्र बनता है, इसे हम निर्देशांक सतह कहते हैं। बीच का बिंदु जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। सभी बिंदुओं का स्थान इसी को देख के निर्धारित किया जाता है। किसी बिंदु को हम पकड़ते हैं, एक्स रेखा पे आगे बढ़ने पे हम जैसे उधर पहुंचते हैं उसे हम एक्स मूल्य कहते हैं, और वाई रेखा पे आगे पहुंचने पे हम जैसे उस बिंदु पे पहुंचते हैं हम उसे वाई मूल्य कहते हैं। इसी सुझाव पर हम और आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक सतह कोई एक्स और वाई रेखाएं चार भागों में विभाजित करती हैं, और इसी के द्वारा हम किसी भी बिंदु का स्थान मापते हैं। दूसरे चित्र में इस बिंदु को 6.4 कहा गया है। इसे 6.4 कैसे कहा गया है? 6 है इसका एक्स मूल्य, मतलब कि हम ओरिजिन को पकड़कर 6 इकाई दाएं तरफ बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वाई मूल्य है 4, मतलब इस बिंदु से हमें अब 4 इकाई ऊपर बढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 6.4 बिंदु आ जाता है। इसी तरीके से -6.4 को भी देख सकते हैं। -6 का अर्थ हुआ कि ओरिजिन से हमें 6 इकाई बाएं तरफ जाना है। दाएं तरफ जाते तो 6 आता है, बाएं तरफ जाएंगे तो -6 आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6। वाई इकाई अभी भी 4 है, तो 4 इकाई ऊपर। 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से -6, -4 और 6, -4 को बना सकते हैं। पहला और तीसरा चित्र हमें यह जानने में मदद करता है कि एक्स और वाई के चिन्ह कहाँ पॉजिटिव हैं, यानी शून्य से ज्यादा, और कहाँ निगेटिव है यानी शून्य से कम। उदाहरण के लिए हमें -2.3, 1.3 और 2.2 को दर्शाना है। इसका चलिए उत्तर देखते हैं। यह रहा इसका उत्तर। -2.3 को यहां बनाया गया है। -2 है एक्स मूल्य, 3 है वाई मूल्य। यह कैसे आया? एक्स मूल्य है -2, मतलब वाई रेखा से दूरी होगी 2 इकाई बाएं तरफ। 1, 2। वाई मूल्य है 3, मतलब इसी रेखा से उसकी दूरी हुई 3 इकाई। 1, 2, 3, -2.3 आ गया। इसी तरीके से बाकी अन्य बिंदु भी आ जाएंगे। यह काफी सरल पर काफी उपयोगी चीज है। इसके उपयोग की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। उधर अनुरोध है कि उस वीडियो को देखने से पहले आप दो चरों वाले रेखीय समीकरण और त्रिकोण की समानता के वीडियो देख चुके होंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको आज पढ़ने में मजा आया होगा।